वो एक पूरी सीढ़ी पार्टी है, ये 100% पार्टी है। साजिश वाली सीढ़ी का भंडाफोड़, पॉलिटिक्स वाली सीडी का रियलिटी टेस्ट, अब तक देखी वायरल सीडी, अब हम दिखाएंगे असली सीडी। आईबीसी 24 दिखाएगा सीडी के किरदारों का असली चेहरा। आईबीसी 24 बताएगा बवाली सीडी का पूरा सच। आईबीसी 24 दिखाएगा कैसे बनी सबसे सनसनीखेज सीडी। आज आईबीसी 24 करने वाला है सारे सस्पेंस का द एंड। तो लीजिए साहब, वो वक्त आ चुका है, हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। एक सीडी जो वायरल हुई, भूचाल ला दिया, प्रदेश से लेकर देश की सियासत में इस वक्त इसकी चर्चा है। वायरल सीडी में जो है वो बेहद अश्लील है, सरासर आपत्तिजनक है। इसमें जो शख्स नजर आ रहा है उसके बारे में यह दावा है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश मूणत है। एक बार की तस्वीर को देखकर कोई भी ये कहेगा कि ये वही है, पर जब मामला एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का हो, जब मामला एक जनप्रतिनिधि का हो, तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उसे देखने, जानने और परखने की बहुत जरूरत होती है। सोशल मीडिया की समाज के प्रति कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब जानते हैं, हम सब इसका प्रयोग करते हैं, इसकी चपेट में भी आते हैं, इसके चंगुल में भी फंसते हैं, इसका हिस्सा भी बनते हैं। ना ही उसे तर्कों के तराजू में सच को तोलने की जरूरत महसूस होती है, पर एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के तौर पर हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम लोगों को गुमराह होने से बचाएं, उन्हें सच के हर पहलू से वाकिफ कराएं और ये बताएं कि दरअसल असलियत है क्या, असली कहानी है क्या। आईबीसी 24 ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी का भार उठाया है और आज भी हम इस बात को उठा रहे हैं। तमाम जोखिम के बावजूद इस बार भी हमने सच को किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उजागर करने का फैसला किया और बाकायदा सच की पड़ताल में लगे रहे। अश्लील वीडियो क्लिप पर मचे बवाल के बीच में हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम उस मूल सीडी को हासिल करने में कामयाब हो पाई जिसके बूते हम आज ये सच आपके सामने प्रमाण के साथ रख रहे हैं। हम जनता यानी आपकी अदालत में असली और नकली ये दोनों सीडी रखते हैं। हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि दरअसल सच्चाई क्या है। जो आप वायरल सीडी देख पा रहे हैं वो सच है या फिर जिसे साजिशन छिपाया गया वो हम पर्दे के बाहर लाएंगे। मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि ये सीडी हमने अभी तक नहीं दिखाई थी क्योंकि हमें इसको दिखाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आया कि हमें सीडी क्यों दिखाए जबकि उसकी सत्यता अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीडी हमें इसलिए दिखानी पड़ रही है कि तभी आपको असली और नकली सीडी का सच पता लगेगा। जब तक जो सीडी वायरल है उसे हम नहीं दिखाएंगे, ये कैसे हम बताएंगे कि असली सीडी क्या है। तो केवल ये इसीलिए आईबीसी 24 इस सीडी को इस समय दिखा रहा है जो हमने अभी तक नहीं दिखाई, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि नकली सीडी क्या है और असली सीडी क्या है। जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सीडी है जो कि वायरल हुई है और इसको हमने नाम दिया है नकली सीडी, क्योंकि हमें पता है कि असली सीडी हमारे पास है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये नकली सीडी है। चलिए दर्शक, इस समय जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो रविकांत मित्तल जी बता रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको सनसनी फैलाने में कतई इंटरेस्ट नहीं था, हमने ये सीडी नहीं चलाई क्योंकि इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं थी। लेकिन अब चूंकि असलियत हम आपके सामने रख रहे हैं, परत दर परत सच आपके सामने आ रहा है, तो पहले वो झूठ, पहले वो नकल, पहले वो फ्रॉड आपके सामने रख दें जो भूचाल मचा चुका है। ये वो सीडी आप देख रहे हैं जो नकली सीडी है, जरा गौर से देखिएगा इस सीडी के एक एक अंश को। आप वो देख रहे हैं जो आपके बीच पहुंचा, आप वो देख रहे हैं जिसके बारे में सच होने का दावा किया गया, आप वो देख रहे हैं जिसको लेकर बवाल मचा है। चलिए हमारे साथ में रवि जी मौजूद है। रवि जी, ये जो चीजें हम देख रहे हैं, दर्शकों के मन में सवाल आ सकता है एक बार की कि दोनों सीडी उनको एक जैसी दिख रही हैं,
लेकिन इसमें सच ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं। देखो मैं अपने न्यूज रूम को कहूंगा कि ये दोनों जो है वो दो विंडो में करके दिखाएं, तो लोगों को और क्लियर होगा कि किस तरीके से इन सीरीज में जो है वो समानता कितनी है असली और नकली उसमें, और फिर खेल कहां किया गया है ये हम धीरे आगे बताएंगे। लेकिन अब आप दर्शक ये पूरा देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये आपको थोड़े कंफ्यूज भी होगे कि भाई ये इसमें आखिर असली नकली क्या है, दोनों चीजें इकट्ठी एक जैसी दिख रही हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि जब हम सच्चाई आपके सामने लाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, जिस तरीके से जब हमने हमारी जांच में ये सामने आया तो हम चौंके कि किस तरीके से ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया। ये आप मैं न्यूज रूम से कहूंगा कि दो विंडो में करके दिखाएं जिससे कि उनको और साफ तरीके से पता लगे कि ये कौन सी असली और क्या नकली में है। मैं आप दर्शकों के बाद फिर बता दूं कि नकली सीडी हम उसको कह रहे हैं जो कि वायरल हुई है। देखिए आप दो विंडो में आप देख सकते हैं, ये जो असली सीडी है ये वो सीडी है जो आईबीसी 24 के पास है, जो हमने खोजबीन के निकाली है, जो आपको ये बताएगी कि आखिर असली सीडी में क्या था और उसको नकली सीडी में किस तरीके से बदल कर ये पूरा उसको वायरल किया गया या उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आप अगर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर तो आपको साफ दिखेगा कि ये दोनों सीडी सेम जगह की है, एक ही कमरे की है, एक ही कैमरे पे एंगल है, जितने आर्टिकल रखे हुए हैं उसमें, चाहे वो रजाई हो, चाहे वो शीशा हो, ड्रेसिंग टेबल हो, उसके ऊपर रखा हुआ मेकअप का सामान हो, एक रजाई के ऊपर नीले रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है वो हो, एकदम ये हुबहू दोनों सीडी एकदम एक जैसी है, दोनों पिक्चर एकदम एक जैसी है। लेकिन आईबीसी 24 आपको बता रहा है कि इसमें एक असली है और एक नकली है, नकली वो है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है। और क्या छेड़छाड़ की गई है ये भी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ लगातार हमें मैसेज कर सकते हैं, #sexcd का सच इसके ऊपर लगातार आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, हम आपके मैसेज भी आपको दिखाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो वो भी हम आपको बताएंगे, इसमें कानूनन क्या पेचीदगियां हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दोनों पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, सीनियर नेता मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किसमें आगे क्या है। इसमें आगे बताइए पुनीत, इसमें क्या हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, जैसा आप बता रहे थे बहुत डिटेल में जो रवि जी कह रहे हैं, जरा एक बार इस पर गौर कीजिएगा। और इससे भी पहले कि मैं आपको डिटेल में दिखाऊं बताऊं और इस जो ब्लर तस्वीर है इसमें पीछे क्या छिपा है इसकी सच्चाई आपके सामने रखे हैं, कैसे छेड़खानी की गई ये आपके सामने रखे हैं, एक्सपर्ट से हम बातचीत करें, इस पर रिएक्शन लें। #sexcdkasach ये आपके लिए है, इस मुहिम का हिस्सा बनिए, अपनी बात रखिए, अपने सवाल पूछिए हमारे एक्सपर्ट से, हमसे कोशिश होगी कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। सवाल आपका है, यही हमारा ध्येय है। अब देखिए जरा एक बार फिर से आईबीसी 24 का सबसे बड़ा खुलासा, एक तरफ असली सीडी एक तरफ नकली सीडी, असली सीडी इसमें और नकली सीडी इसमें, दोनों में तकरीबन एक जैसा सीन, एक जैसा एंगल, एक जैसे आर्टिकल, वही आईना, वही मेकअप का सामान, वही रजाई, वही कपड़ा, वही पलंग और उस पर होती हुई वैसी ही हरकतें जैसी आपको दोनों में दिख रही हैं। आपको एक बार ये लग सकता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि एक जिसे हम नकली कह रहे हैं ये छेड़खानी करके मॉर्फिंग करके इसको बनावट के साथ में पेश किया है, सच को छिपाने की कोशिश की है, और एक असली सीडी है जो 13 मिनट की है, जो नकली है वो 1 मिनट कुछ सेकंड की है। तो इस पर आप भी अपनी राय अपने सवाल हम तक फौरन इसी समय हमारे जो ट्विटर हैंडल इसके ऊपर दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं #sexcdkasach, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पुनीत, दर्शक कह रहे हैं कि कैमरा क्वालिटी बहुत पुअर है। देखिए ये कोई कैमरे से शूट क्यों, मैं दर्शकों को बता दूं कि नकली सीडी की क्वालिटी इसलिए भी बहुत पुअर दिख रही है कि जिस तरीके से आपने जो अभी तक हमने रिपोर्ट बताई कि उसकी कॉपीज बनाई गई, इतनी सारी कॉपीज, अब हमें यह नहीं पता कि ये कौन सी कॉपीज का वर्जन है। कोई भी डिजिटल चीज को अगर आप कॉपीज करते जाएं तो उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर होती जाती है, और जो असली सीडी है वो इसलिए ज्यादा ब्राइट दिख रही है क्योंकि उसका ओरिजिनल सोर्स हमारे पास है, वो हमारे पास है केवल, अभी हमने ना उसकी कोई कॉपी की है ना हमने किसी को बांटा है। आप जो हमारे दर्शक हैं उसको सबसे पहली बार अपनी टीवी स्क्रीन पर उस सीडी को देख रहे हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी बेहतर है। जो नकली सीडी है उसकी क्वालिटी खराब होना लाजिमी है क्योंकि वो कौन से वर्जन पे है, कितनी उसकी कॉपीज हो चुकी है ये हमें नहीं पता, ये इसकी सत्यता नहीं है। दूसरी बात, ये जो सीडीज है ये हमको अपने सोर्स से मिली है, एक तो पब्लिकली अवेलेबल है, एक जो दूसरी जो हम दिखा रहे हैं वो हमें अपने सोर्स से मिली है। मैं एक बार फिर से कह दूं कि हमने भी अभी इसकी कोई जांच नहीं कराई है क्योंकि नेता सबसे पहले ये बोलेंगे कि भाई आपने इसकी क्या जांच कराई, क्या कराई,
तो मेरा दो सवाल है उसमें, दो चीजें होंगी कि भाई जो सीडी बांटी गई उसकी भी अभी कोई जांच नहीं हुई है और ये जो दिखा रहे हैं इसकी भी कोई जांच नहीं है, तो इसकी सत्यता की कोई गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन जो हमारे पास आया वो सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे, आपके सामने हम सारे सवाल रखेंगे और उसके सामने ये आपके ऊपर होगा कि क्या सच है क्या झूठ, ये आपको पता लग जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रवि जी कि जैसा आप बता रहे हैं, एक बार फिर से दर्शकों को क्लियर करते हैं हम कि जो असली चीज होती है, जिसकी कॉपी नहीं बनी होती है, जो जितना असली कंटेंट के करीब होती है, उसकी ब्राइटनेस, उसकी सफाई या उसका हम ये कह सकते हैं शार्पनेस कहीं ज्यादा होती है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दें कि ब्लर करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हमारा उद्देश्य नहीं है कि इस अश्लील कंटेंट को हम आप तक पहुंचाएं, हमारा उद्देश्य केवल सच आप तक पहुंचाना है। धड़ाधड़ जो आप हमको लगातार ट्विटर हैंडल के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि इसमें जो चीजें दिख रही हैं वो उनको थोड़ी ब्लर दिख रही हैं, तो आपको बता दें हम पहले से कह रहे हैं कि चीजें ब्लर हैं लेकिन हम असलियत का या सच का दावा कर रहे हैं सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ में। दरअसल जो दिख रहा है और जो वाकई ओरिजिनल है इसके बीच में पहला फर्क यह है कि ये पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट, पहले से कहीं ज्यादा साफ है, जो ब्लर है उसको हमने कर रखा है। और साथ ही साथ आप आज की टेक्नोलॉजी को भी इससे समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस सफाई के साथ में आजकल नकल की जाती है। ये असली सीडी है, फुल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप देखिएगा कितनी सफाई के साथ में आज के दौर में डिजिटल वर्ल्ड में या डिजिटल तरीके से आप चीजों को कॉपी कर सकते हैं, डिजिटल तरीके से आप मॉर्फिंग कर सकते हैं, मॉर्फिंग माने छेड़खानी, आप कंटेंट को कैसे किसी एक चेहरे को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी एक आर्टिकल को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी एक स्थिति को बदल सकते हैं, ये सब आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं, एक असली सीडी एक नकली सीडी। और दावा हम क्यों कर रहे हैं बताते रहेंगे, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, लगातार इसके आगे के सच भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ओरिजिनल सीडी में और फेक सीडी में जो आपके पास पहुंचाई गई होगी नकली सीडी में। जैसा रवि जी बता रहे थे, ना जाने कितनी कॉपीज बनाई गई, ना जाने कौन सी कॉपी हमारे हाथ आई, इसलिए आपको नकली सीडी में थोड़ा सा और डिस्टर्बेंस दिखेगा, ब्लर दिखेगी आपको, उसकी शार्पनेस कम लगेगी। असली सीडी हमारे सोर्स ने हम तक दी है, हमने पड़ताल करके इसको निकाला है, हमने इसकी कोई कॉपी नहीं बनाई, हमने इसमें कोई छिड़खानी नहीं की, इसलिए आप इसको ऐसा देख पा रहे हैं। दोनों का टेस्ट नहीं हुआ लेकिन अगर बिना टेस्ट के इतने बड़े एलिगेशन लग सकते हैं तो इस सीडी में और खासतौर से इसके कंटेंट को लेकर के जो आरोप है उनको लेकर के विचार होना चाहिए। एक बार हम दर्शकों को फिर से बता देते हैं जब तक हम इसका पूरा असली खुलासा करें कि आखिर इसमें क्या छेड़छाड़ की गई, एक बार हम फिर अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि वो दोनों सीडी देख लें कि और पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि जो दोनों पिक्चर हैं वो एक ही कमरे की है। मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी बैठे हैं, उनके मन में भी जिज्ञासा है कि आखिर हम क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन चूंकि हम एक जिम्मेदार पत्रकारिता यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देख लें दर्शक फिर से कि आखिर क्या क्या दोनों सीडीज में आइटम है, क्या क्या उस कमरे में रखा हुआ है, एक बार वो पिक्चर फिर से दिखा दें। चलिए मैं कोशिश करता हूं और अपने टीम से कहता हूं कि जरा आर्टिकल्स के नाम जो हमने लिखे थे वो वाली तस्वीर को एक बार लाया जाए टीवी स्क्रीन के ऊपर, एक बार दिखाया जाए उसको जिसमें सारे आर्टिकल्स हमने कंपेयर किए। दर्शक सच अगर समझना है तो आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। देखिए जरा ये आर्टिकल्स, नंबर वन, आर्टिकल नंबर वन पलंग, नंबर दूसरा रजाई जो एकदम कॉर्नर में आपको दिख रही है सबसे पास कैमरे के, कैमरा छिपा कर रखा गया होगा जाहिर सी बात है। इसके बाद के आर्टिकल्स आप देखिए, एक आईना भी आपको नजर आ रहा है कमरे के अंदर ही, और आईने के साथ साथ आपको कुछ एक ब्लर हिस्सा दिख रहा है, और ये दोनों सीडी में आप देखिए वैसी के वैसी कॉपी में है जैसी असलियत में था, आईना दोनों में है, मेकअप का सामान दोनों में है, रजाई दोनों में है, पलंग दोनों में है, साथ में एक कपड़ा जो रजाई के ऊपर पड़ा हुआ है नीले रंग का हमको दिखाई पड़ रहा है ये दोनों में है। असली सीडी की शार्पनेस थोड़ी ज्यादा है, नकली सीडी की शार्पनेस कम है, और ब्लर वाला हिस्सा वो हम आप तक पहुंचा नहीं सकते हैं क्योंकि ब्लर वाले हिस्से में जिस तरीके की अश्लील हरकतें हो रही हैं या चल रही हैं, ये किसी के जैसे भी पल हो, चाहे आप इसे निजी भी कह सकते हैं, आप इसे नैतिकता से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस हिस्से को हम नहीं दिखा रहे आप तक क्योंकि हम सब मिलकर केवल सच की पड़ताल कर रहे हैं, इस कंटेंट की पड़ताल कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए जरा IBC 24 पर सबसे बड़ा खुलासा, असली सीडी नकली सीडी दोनों के आर्टिकल्स को आप देखिए, वही कमरा वही एंगल वही कैमरा दिखता है, पलंग दोनों में है, रजाई दोनों में है, कपड़ा दोनों में है,
मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ एक जैसा, आईना दोनों में एक जैसा। और बने रहिए हमारे साथ में, ये परत दर परत हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे ही सच हमारे पास आया, हमने इस पड़ताल को और गहन किया। एक्सपर्ट्स के साथ में भी हम इस बात को और पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इसमें और है और किस तरीके से इसको मॉर्फ किया गया या किस तरह से इससे छेड़खानी की गई। टेक्निकल भाषा में आप इसे मॉर्फ करना कहते हैं। सब कुछ आपके सामने रखेंगे, कोशिश हमारी होगी कि वो एक्सपर्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकें, अगर कर पाए तो, क्योंकि वक्त कम है और ये कंटेंट आपके सामने हमको रखना है। दोनों तस्वीरों को आप जरा देखिए। और जो सबसे बड़ा सवाल जो आप लगातार हमको हैशटैग करके भेज रहे हैं कि ये थोड़ी सी आपको ब्लर दिख रही है, तो आपको बता दें ब्लर हमने किया हुआ है, चाहे असली हो चाहे नकली, दोनों को ब्लर हमने किया है। क्योंकि इस हरकत को हम सबके सामने नहीं लाना चाहते, ये किसी के जैसे भी पल हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक कमरा है, बंद कमरा है, बंद कमरे में एक बिस्तर है, बिस्तर के ऊपर रजाई है, दो व्यक्ति इसमें हैं जो ब्लर किए गए हैं, एक पुरुष है एक महिला है, और साथ ही साथ में वो आर्टिकल्स जो एक जैसे दोनों में दिख रहे हैं, लेकिन एक असली है और एक नकली है। असली सीडी और नकली सीडी आपको एक सी लग रही होगी, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि हम इसको क्यों असली और नकली कह रहे हैं। जब आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर ये असली और नकली क्यों है। और साथ ही साथ में रवि जी, काफी सारे लोग तो अवेयर हैं, काफी सारे लोग चूंकि आजकल सोशल मीडिया पर अलग अलग पक्षों में बटे होते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बिना सच को पूरी तरह पड़ताल किए, बिना सच को पूरी तरह जाने, आजकल दो वर्गों में सोशल साइट्स के ऊपर लोग बट जाते हैं डेलिबरेटली, या हम यूं कह सकते हैं कि कुछ प्रेरित तौर के ऊपर बट जाते हैं। लेकिन उन सबसे हमारी गुजारिश है कि आप सच को पूरा देखिए परखिए, और पूरी जिम्मेदारी से हम दिखा रहे हैं, हम न इस पक्ष की न उस पक्ष की, किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए एक एक करके परत दर परत आपके सामने चीजें हम रख रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि दरअसल पिछले 40-45 घंटों में कुछ सीडीज और कुछ वीडियो क्लिप्स आप सबके पास आए होंगे या काफी सारे लोगों के पास भेजे गए। इस वीडियो क्लिप में एक कमरा दिखता है, एक बिस्तर दिखता है, एक रजाई दिखती है, एक आईना दिखता है, और इसके ऊपर दो व्यक्ति दिखते हैं जिसमें से एक पुरुष और एक महिला है। आपत्तिजनक स्थिति में वो दिखाई पड़ते हैं। ये दावा किया गया कि ये जो शख्स दिख रहे हैं, दरअसल ये छत्तीसगढ़ कैबिनेट मिनिस्टर राजेश मूणत हैं, उन्होंने इसका खंडन किया, पार्टी ने उनका साथ दिया, जांच की मांग की। एक पत्रकार जो दिल्ली में है लेकिन छत्तीसगढ़ मूल के हैं, उनको गिरफ्तार कर अभी लाया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम चलते चलते तक वो यहां आ सकते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनके पास में जो सच है और जो असली सीडी हमारे पास में है, उनके पास में किसने पहुंचाया, किस सोर्स से पहुंचाया, वो जाने। लेकिन जो सच हमारे सामने आया, इसको लेकर हम उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। लीजिए साहब, ये वो सच है जो आप देखना चाहते थे, ये वो सच है जिसको बदला गया, ये वो सच है जिसको बदल करके प्रयास किया गया कि सनसनी फैलाई जाए। हमारा मकसद नहीं कि हम कोई सनसनी फैलाएं, ये नकली सीडी का चेहरा है। आप चाहते थे कि हम इन चेहरों को उजागर करें, तो आप देख रहे हैं ये नकली सीडी का चेहरा है। एक चेहरा आपको दिखाई पड़ता है जिसके बारे में यह दावा किया गया कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के मिनिस्टर राजेश मूणत हैं। उन्होंने खंडन किया और कहा कि ये नकली है, नकली है, नकली है। अब आप देखिए जरा असली सीडी का चेहरा। क्यों हमने कहा कि असली सीडी हमारे पास में है, ये देखिए, ये असली सीडी का चेहरा, गौर से देखिए जरा, अच्छे से देखिए। बिना सनसनी फैलाए बोल रहे हैं आपसे, जिम्मेदारी से, पूर्ण जिम्मेदारी और विश्वास से आपको कहते हैं, ये है वो असली व्यक्ति जो उस असली सीडी में, 13 मिनट की असली सीडी में है, और ये कतई वैसे नहीं दिखते जैसे आपको दिखाए गए। ये असली सीडी का चेहरा है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे आप समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़ की ऊंचाइयों को आगे लेकर के जाएं और छत्तीसगढ़ का समृद्धशाली छत्तीसगढ़ बने, उसमें आपका मेरा सबका योगदान रहे, यही